नमस्ते टू ऑल। यहाँ जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स का जो टॉपिक है, एस के अरोरा जो बुक है, सुधीर कुमार अरोरा उनकी बुक से है ये। बहुत सारे इन्होंने दिए रखे हैं, लगभग पता नहीं 400 तो हैं शायद ये। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन्हीं को हम सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम समझेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि इनका समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। इसमें आएंगे ज़्यादा, तो मैंने ये नहीं पढ़ा है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के देख रहे हो, इन्हीं से पता चलता है कि क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे कि जो समझ में भी नहीं आएंगे कि ये हैं क्या, क्या इनका मीनिंग है, क्या इनका करना है। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे, हिंदी में समझेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाएगी, तो आप जो क्वेश्चन में लगता है आपको कि प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो फिर आप कमेंट करके उसको पूछ लेना, उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में, सिंपल से सिर्फ उसी क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा टफ सा लगता है दे दिया है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जाता है ज़्यादातर। हॉरेक यूज्ड एब हॉरेक यूज्ड इन इट इन एस पोएटिका, इट इज़ क्या है ये एब ओवो। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से बना जाता है। जो हॉरेक ऑथर रहे हैं पुराने, तो उन्होंने जो ये टर्म है, लिटरेरी टर्म्स है, अपने आर्ट्स पोएटिका जो इनकी वर्क है उसमें यूज़ किया है, वो कौन सा टर्म है, तो वो एब ओवो है। लेकिन जो एस के अरोरा ने दिया है, उन्होंने बहुत से भी एक डिटेल में दे दिया है क्या। इट इज़ ए टर्म, ये टर्म है, इट रिफर्स टू ए स्टोरी दैट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट। इट्स लैटिन टर्म मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग द ओरिजिन द एग। ये जो टर्म है, जो ऑथर, ये जो एस के अरोरा, इन्होंने क्या कहा है कि ये टर्म है, ये रिफ़र करता है किसको, एक स्टोरी को स्टार्ट से, बिगनिंग से, किसी इवेंट के। ये एक लैटिन टर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से, द ओरिजिन जो होता है स्पीसीज, और द एग अंडा, अंडा भी इसको कहा जाता है। अब हम इसका मीनिंग समझे एब का, तो एब का जो मीनिंग होता है वर्तमान में होता है या शुरुआत में होता है। ओवो का मीनिंग एग भी होता है, यानी अंडा भी होता है। लेकिन ये लैटिन वर्ड है, इसका कंप्लीट मीनिंग जो निकलता है वो ये होता है कि कोई भी इवेंट, कोई भी कार्य जो शुरुआत से होता है, मतलब किसी भी काम का शुरुआती स्टार्टिंग जो होगी, शुरुआत जो होगी, उसे एब एवो कहा जाता है। और ये टर्म है, ये यूज़ की है हॉरेक ने अपने एर्स पोएटिका में। तो एब ओवो का मतलब होता है कि शुरुआत से, आरंभ करना या शुरुआत करना किसी भी चीज़ का। अंडा एक मीनिंग, जैसे किसी भी वर्ड के मीनिंग ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही, मतलब जैसे आप होमोनिम्स बोलते हैं, कोई शब्द है तो कई सारे मीनिंग होते हैं, सिनोनिम्स जो होते हैं, तो ये सिनोनिम्स में एक इसका वर्ड आ गया है। अदरवाइज इसका मेन मीनिंग जो होता है वो शुरुआत से होता है, आरंभ होता है। ऐसा कोई थोड़ा टफ लगता है देखने में, लेकिन लैटिन वर्ड है और फॉरेन जो लैंग्वेज है आपके सिलेबस में वो है। फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड मैं आपको कई सारे बता चुकी हूँ, इम्पोर्टेंट जो है, तो ये पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में। नेक्स्ट, एजिटप्रॉप थिएटर। ये जो एजिटप्रॉप थिएटर था, ए वेल नोन फ्रॉम द 20th century, 20वीं सदी का जो ये एजिटप्रॉप थिएटर था, ये इसके बारे में इन्होंने बताया है क्या है इसका। ये मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फ्रॉम। ये जो एजिटप्रॉप जो था, ये आंदोलनकारी रंगमंच को कहा जाता है, जब वहाँ, मतलब एक रंगमंच ऐसा थिएटर, इस तरह का थिएटर था ये, कि जहाँ पर जो ये मार्क्सवादी थे और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इन्होंने इसको स्पेशली यूज़ किया। ये इंग्लैंड से लेकर USA तक ये इसका जो है प्रभाव फैला। तो मेन कौन थे इसमें, मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा वाले थे जिन्होंने इस थिएटर को यूज़ किया। एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज ए सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी इज नोन एज एलेगोरी। एक एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज ए सेकेंड मीनिंग, जिसका दूसरा मीनिंग जो है अपने साथ रखती है, मतलब डबल मीनिंग वाली रखती है, दो मीनिंग अपने साथ रखती है स्टोरी से, उसे क्या कहा जाता है, इसे एलेगरी कहा जाता है। मीन्स अनुक्ति अलंकार जो होता है, रूपक अलंकार भी इसी को कहा जाता है स्पेशली, मतलब इसके अकॉर्डिंग
एलेगरी को जो है रूपक अलंकार भी कहा था, दृष्टांत अलंकार में भी की तरह ये यूज़ किया जाता है, अन्योक्ति अलंकार की तरह भी ये यूज़ किया जाता है। तो जिसका डबल मीनिंग होगा, अदर मीनिंग होगा, उसमें एलेगरी का यूज़ किया जाएगा। ए स्टोरी और ए पोएम इन विच कैरेक्टर्स, एक स्टोरी या एक कविता या कहानी जिसमें कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर पीपल और इवेंट्स और फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और क्वालिटी इज नोन एलेगरी। यहाँ भी कि सेटिंग एक स्टोरी, एक कहानी, पात्र जो भी अदर पीपल के लिए, जो मतलब अन्य, तो अन्य के लिए क्या अन्योक्ति आएगा, एलेगरी आएगा। और इवेंट्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और एब्स्ट्रैक्ट जो भाववाचक आइडियाज होते हैं, क्वालिटीज होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है, एलेगरी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, बनियंस जो की है पिलग्रिम प्रोग्रेस इज एन इंस्टेंट ऑफ, उसमें एलेगरी का ज़्यादा यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अलग देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं जो एक दो बार के, जैसे 16 हो, मतलब दो चार साल से जो एग्ज़ाम पेपर सेट हो रहा है वो आपका जो कंपटीशन का लेवल का, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कि ग्रामर की डेफिनेशन की तरह पूछ लिया, या फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कुछ पूछ लिया, या फिर कोई भी टॉपिक उन्होंने उठाकर रख दिया, यहाँ पर लिख दिया कि इसके बारे में, प्लॉट लिख दिया, ड्रामा लिख दिया, ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछे गए कि क्वेश्चन कि ग्रामर में ये चीज़ पाई जाती है, उसकी विशेषता कौन सी है इनमें से, उसमें ग्रामर में क्या नहीं पाया जाता। सेम वही कंडीशन यहाँ पर ये है कि इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच सीधे सीधे नहीं पूछा, इन्होंने कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को पूछा है कि चारों पॉइंट्स को कंसिडर करिए, पढ़िए और फिर बताइए ये किसके बारे में है, ये किसके बारे में लिखे गए हैं। तो इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, ये एक अलंकार है। इट रिफर्स टू पर्सन प्लेस थिंग और इवेंट रियल और इमेजनरी, ये पर्सन प्लेस थिंग को जो है डिपिक्ट करता है, बताता है, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिन किया हो कल्पना में हो। इट इज़ पासिंग रेफरेंस एट इज डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल, डिटेल में डिस्क्राइब नहीं होता द पर्सन और थिंग टू विच, मतलब रेफरेंस डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल, डिटेल में कुछ नहीं कहता है पर्सन और प्लेस जिसके बारे में बात कर रहा है। इट मे बी फ्रॉम फिक्शन, या तो ये फिक्शन से, या फोक जो होते हैं, फोक सॉन्ग्स जैसे होते हैं, हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक है, या तो देहाती है या फिक्शन से, इवेंट्स एंड रिलीजियस भी हो सकता है, मैन्युस्क्रिप्ट जो रिलीजियस जो ग्रंथ या प्रतिलिपियाँ लिखी हुई होती हैं उनके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इस मतलब हो सकता है, चाहे फिक्शन है या फोक गीत जो लिखते हैं, लोक गीत जो होते हैं वो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक भी हो सकता है, या रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट जो रिलीजियस जो पुराने ग्रंथ या प्रतिलिपियाँ कुछ इस तरह से बोलते हैं, श्रुति लेख वगैरह वो भी हो सकता है। तो ये क्या है, एल्यूजन, एल्यूजन का मीनिंग जो मीनिंग इसका होता है वो होता है संकेतवाचक, जो संकेत वाले या इशारे वाले होते हैं, संकेतवाचक जो होते हैं वो एल्यूजन होते हैं, मींस ये रिफ़र करेगा किसी पर्सन प्लेस की ओर संकेत करेगा, या फिर किसी कल्पना ये बताता है, इशारा करता है, संकेत करता है, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, और डिस्क्राइब करती है, चाहे वो मतलब पर्सन थिंग्स और विच डिटेल्स में इसको डिस्क्राइब करेगी, इसके बारे में जो बताएगी, एक हम वर्ड को थे बारे में बताना या संकेत देना, बात एक ही होती है, इशारा करके बताना, किसी के बारे में बताया, संकेत देकर बताना, इंडेक्स फिंगर का यूज जब करते हैं संकेत का करते हैं, तो ये किसी के बारे में बताएगी या संकेत बताएगी या इशारे से बताएगी, ये वाला फिगर ऑफ स्पीच, और ये सारे इसी को डिस्क्राइब करता है। और इस पॉइंट के लिए इस तरह के आपको जो अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि दो चार साल से बता रही कि आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें, ये इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी होंगी। कन्फ्यूजन अगर इस क्वेश्चन में लगता है तो इसको द्वारा समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको छोड़ दें, ये वाला हम पढ़ चुके हैं जब मैंने हैंड रिटन नोट्स में बताया था। तो एन गैरोरीज इज ए टर्म यूज बाय अरस्तु टू मीन, क्या होता है, रिकॉग्निशन और डिस्कवरीज का मीनिंग होता है। इट इज़ ए वेरी शॉर्ट टेल विच ए टोल्ड, यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी है। इट इज़ ए वेरी शॉर्ट टेल विच इज टोल्ड बाई ए कैरेक्टर इन ए लिटरेरी वर्क, इट इज़ नोन एज, एक छोटी सी कहानी होती है जो एक कैरेक्टर के द्वारा कही जाती है, इसे क्या कहा जाता है, एनिसिडॉग, ये होता क्या है, जो उपाख्यान बोलते हैं, छोटी सी हिंदी में तो उपाख्यान बोला जाता है, एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा मीन्स उपाख्यान को कैसे डिपिक्ट करेंगे हम, कि कोई भी शॉर्ट नोट जो होता है,
लिटरेरी वर्क में जो शॉर्ट नोट होगा उसे एनेक्डोट कहा जाता है। क्रॉनिकल्स विच डील्स विद इवेंट्स ईयर आफ्टर ईयर्स आर ऑफन कॉल्ड, तो एनल्स सिंपल सा क्वेश्चन, एनल्स उसको कहा जाएगा। द मेजर कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो तरीके से पूछा जाता है। द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड डायरेक्टली अपोज टू प्रोटोगनिस्ट, अपोज्ड प्रोटोगनिस्ट किसे कहा जाता है, हीरो को कहा जाता है, नायक को कहा जाता है, अभिनेता को, जो पॉजिटिव रोल वाला कैरेक्टर होगा। सेम इसका उल्टा क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। तो ये दोनों जो वर्ड हैं ये सिनोनिम्स एंटोनियम्स में भी आते हैं, और सिनोनिम्स में क्या पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो हीरो हो गया, एक्टर हो गया मेन लीडिंग, एंटागोनिस्ट क्या होता है, विलेन हो गया। तो दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर विलोम शब्द में ही पूछे जाएंगे, तो प्रोटोगनिस्ट या एंटोगनिस्ट दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड जो पोएम है, द वर्ड, द आयरन लेडी, द किंग आर द एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये एग्जाम्पल है एक लिटरेरी टर्म्स का, उसे क्या कहा जाता है, एंटोनोमेसिया कहा जाता है। एंटोनोमेसिया कहा जाता है जब कोई अपने नाम की जगह किसी उपाधि का यूज़ करते हैं, जैसे बहुत से लोगों को सर की उपाधि मिली हुई है, डॉक्टर, जैसे कि एक, जैसे मैं अपना कहूँ, नहीं अपना तो चलो एग्जाम्पल देना गलत होगा, जैसे गांव के लोग होते हैं जिन पर ज़मीन वगैरह जाता होती है उन्हें नंबरदार कहते हैं, नंबरदार उनके लिए यूज़ किया जाता है, ये जो उपाधि है नाम पत्र, इसे एंटोमेसिया कहा, एंटोनोमेसिया कहा जाता है, किसी को किसी के एक प्रॉपर, जैसे बहुत से राय साहब कहा जाता है कि मेरे को राय जी हैं, इस तरह की जो ऊपर ठाकुर साहब नाम कुछ होगा, वो सिंह है या कुछ भी है, ठाकुर साहब कह देंगे, तो एक उपाधि की तरह यूज़ करना एंटोमेसिया कहा जाता है, और ये पोएम्स जो हैं इस तरह से यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन हम देखेंगे, द टर्म यूज फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड और एब्सोलेट वर्ड इडियम और फॉर्म इस क्या जाता है, एरकेज, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, ये इम्पोर्टेंट है, इज एसोसिएट विथ क्या है, एक एस्थेट शैली, जो कि जिसका मीनिंग होगा जो सौंदर्य, एस्थेट क्या है, सौंदर्य वाली होती है, सुंदरता वाली चीज़ें होती हैं, उससे बना हुआ वर्ड है, तो सौंदर्य शास्त्र है एक तरह से, ये एसोसिएट किस करता है, एक सौंदर्य शास्त्र ही माना गया, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन ये कई बार जो है पूछा जाता है सिंपल से वे में, कि शॉर्ट स्पीच विच इज़ हर्ड बाय द ऑडियंस द स्पीकर एक्सपेक्ट, नहीं, एक शॉर्ट स्टोरी होती है, एक स्पीच होती है कैरेक्टर की, जो आप अकेले में बोलता है लेकिन वो दूसरा कोई सुन नहीं सकता, उसे असाइड कहते हैं, एक तरफ बोली जाने वाली, अकेले में बोली जाने, तो इट इज़ ए शॉर्ट स्पीच, एक छोटी सी स्पीच होती है, विच इज़ हर्ड बाय द ऑडियंस, ऑडियंस सुन सकती है, लेकिन द स्पीकर एक्सप्रेसेस टू ऑडियंस हिज प्राइवेट थॉट्स, ऑडियंस तो सुनेगी बट द अदर कैरेक्टर जो होंगे उसके वो इसको डू नॉट हियर, नहीं सुनते, इसे क्या कहते हैं, सच स्पीच। ये मैंने कई बार आपको समझाया, जैसे ज़्यादातर जो जो इंडियन प्लेज होते हैं, नाटक जो चलते हैं, सीरियल जो आते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, कैरेक्टर्स के आपस में ही बात, आपस मतलब जो मेनली जो फीमेल कैरेक्टर से होती हैं वो आपस अपने आप से बोल लेती, वो हम तो सुन रहे हैं टीवी देख रहे हैं लेकिन उसे और कैरेक्टर नहीं सुनते हैं, अकेले में कोई बोलता है और उसे कोई और ना सुन सके, सिर्फ ऑडियंस सुन रही है, तो उसे असाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जूलियस सीजर यूज टू राइट एंड डिपिक्ट, नहीं ये, वेल डन, हु इज़ फेमस फॉर, यहाँ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, हु इज़ फेमस फॉर डायरीज एंड मेमोरीज, डायरी और डायरी और मेमोरी सबसे ज़्यादा किसने लिखी, कौन फेमस था, तो ये पेपी है, ये आगे आएंगे ऑथर, यस सैमुअल पेपीज जो हैं ये जो फेमस है डायरी और मेमोरी लिखने के लिए। हुज लेटर आर फेमस, किसके लेटर्स फेमस थे, तो पेस्टन फैमिली के जो लेटर्स थे, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आएगी आपसे पूछा जाएगा, पर हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है कि हुज लेटर्स आर फेमस, पेस्टन फैमिली, या पेस्टन फैमिली क्यों फेमस थी, तो अपने लेटर्स के लिए फेमस। दिस टर्म इज़ फ्रॉम द फ्रेंच ऑफ वेंग्यार्ड, न्यू वेव इसको कहा जाता है, वेंग्यार्ड मीनिंग क्या, न्यू वेव, दिस इज़ क्या कहा जाता है, इसे एवेंट ग्रेट, एवेंट ग्रेट पर भी एक आध क्वेश्चन बनता है, तो ये टॉपिक भी, बल्कि इसके दूसरे जो क्वेश्चन एवेंट ग्रेट से मिलते हुए मैं पीछे हमने पढ़े हैं, समझे हैं। नेक्स्ट यहाँ ये इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ज़्यादा,
It is a grammatical term which refers to the inversion of word order from one clause to another. एक clause से दूसरे clause के लिए क्या use किया जाता है? Chiamas या Kiamas, बात एक ही है. और ये होता है किस लिए? ये एक तरह से देखिए जैसे एक अलंकार की तरह है, अलंकार ही है स्पेशली Kiamas जो है. मीनिंग क्या होता है कि जो पहला वर्ड होता है, जो पहली एक सेंटेंस बोला जाता है, दो क्लॉज होती है, वन क्लॉज टू अनदर, दो क्लॉज इसमें होंगे, तो जो पहली लाइन आई सेंटेंस में और जो दूसरी आएगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं. जैसे मैं कहूँ कोई एग्जांपल कि वो जीतने के लिए आया था और हार कर चला गया. जीतने के लिए आया था, हार कर चला गया, तो जीतने के लिए आया था पहला क्लॉज तो ये होगी, दूसरी क्या होगी? हार कर चला गया. तो आया चला गया और जीतना और हारना दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. तो इस तरह से ये यूज़ की जाती है. आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट ज़्यादा इसके लिए है नहीं मीनिंग इसका. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन. बैलेंस आर द नैरेटिव स्पीसीज ऑफ, बैलेंस क्या होते हैं? गीत काव्य होते हैं, गीत गाए जाते हैं. तो उन्हें क्या कहा जाता है? फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग्स का जो ये एक जाति प्रजाति बताई जाती है कि बैलेट्स भी ऐसे थे, फोक सॉन्ग्स भी जगह जगह गाकर गाए जाते, लोकगीत जो थे और ऐसे ही सेम बैलेट्स होते हैं. यहाँ इन्होंने कई सारे वर्क्स ये दे रखे हैं, पढ़ते हैं इसको. द ले ऑफ द, ये सब क्या है? ये सीधा सीधा ये पूछा है. तो चेवी चेज, नट ब्राउन मेड, कॉपर्स, द डिवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन ग्रिम्स. ये जो ऑथर्स हैं इनकी, ये जो वर्क है चेवी चेज है, नट ब्राउन मेड है, और कॉल्ड इसका द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि इसका लावेल रिडेम्पशन्स मर्सी और सर वाल्टर स्कॉट का द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्टर. ये क्या है? एक बैलेट्स हैं, गीत काव्य जो होते हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यहाँ ये देखते हैं, ए सरन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सेप्ट. आप एक चीज़ ये देखिए कि इतने ज़्यादा इतने लंबे क्वेश्चन जल्दी से आते नहीं है, कि क्वेश्चन इतना लंबा नहीं आता है जल्दी से. सीधे से आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका बता दो ये क्या है. इतना लंबा बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चन बनते हैं, अदरवाइज सिंपल से लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है. तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सेटल टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डनरी स्पेशली व्हेन ए राइटर स्टार्विंग. यहाँ से इंपॉर्टेंट चल रहा है. एक सडन चेंज जो होता है व्हेन ए राइटर स्टार्विंग फॉर द नॉवल. एक राइटर सोचा है कि नॉवल एंड पैथेटिक अचीव उसे मिलेगा, लेकिन होता क्या है? दिस इज द बेस्ट डिस्कवर. मतलब इंसान चाह कुछ रहा है, मिल कुछ रहा है, तो उसका जो है पतन हो जाता है भाव का, जो इसकी फीलिंग्स का जो है गिर जाती है भाव, पतन उसका हो जाता है, उसे बेथोस कहता है. यहाँ ऑथर जो चेंज हो जाता है, सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट. मतलब राइटर ने चाहा क्या? उसको एक तरह से नॉवल मिले, और मिल गया क्या उसको? मतलब कुछ नहीं मिला. तो भाव पतन जब होते हैं तो बेथोस कहा जाता है. नहीं ये नहीं, यहाँ थोड़ा सा इनका ये कि इन्होंने क्वेश्चन जो दिए हैं टीजीटी पीजीटी के लेवल वाले नहीं दिए, नेट वगैरह के लेवल के इन्होंने यहाँ दे दिए. कितने लंबे लंबे, जल्दी से तो पूछे ही नहीं जाते. इन ही जैसे फोर एजेस ऑफ पोएट्री 1820 द थॉमस लव पीकॉक क्लासीफाइज पोएट्री इंटू फोर पीरियड्स विच आर. फोर एजेस पोएट्री 1820 का वर्क है और थॉमस लव पीकॉक का है. उन्होंने क्लासीफाई किया है पोएट्री को चार भागों में. कौन कौन से? आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द पुलित्जर प्राइज, इंपॉर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. पुलित्जर प्राइज किसने किसने देना शुरू किया है? तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क ने देना शुरू. ये सारे पता होना चाहिए कि नॉबल कौन देता है, पुलित्जर कौन सा देता है, और साहित्य अकादमी वाला जो दिया जाता है ये कौन देता है. ये कई सारे अवार्ड हैं, चार पाँच, ये आपको पता होनी चाहिए कि देता कौन से कहाँ, मतलब कौन देना है. जैसे पुलित्जर का कौन है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है. तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं. इट इज़ अ रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज. रिपीट होता है कोई वर्ड होगा या फ्रेज होगा. ब्रोकन अप बाय वन और मोर इंटरवेनिंग वर्ड्स. मतलब टूट टूट का जो लैंग्वेज की टूटी फूटी लैंग्वेज, जैसे सही में कह दो जो हकला के बात कह रहा है, रुक रुक कर बात कोई कह रहा है, तो उसके क्या डाइकॉप उसको कहा जाता है. मतलब जो इंसान के माइंड को सुन कर दे, जैसे वी विल डू इट, आई टेल यू, वी विल डू इट. तो ये क्या है? एक तरह से थोड़ा माइंड एक्सेट ना होना तब कोई बात कहना, तो इसे डाइकॉप कहा जाता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए लिस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑथर और ऑथर्स. एक
जो पर्टिकुलर ऑथर है, किसी ऑथर के बारे में जो एक लिस्ट होती है, वर्क्स होता है, उसे क्या कहा जाता है? बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, इसको पढ़ लेते हैं। विलिंग्स ग्रोमन इज ए जर्मन टर्म फॉर, ये किसके लिए होता है? नोबेल फॉर्मेशन के लिए होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, नोबेल ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी फॉर्मेशन, ये आप याद रखेंगे। इस पर आगे भी एक दो क्वेश्चन आया था, इसको थोड़ा सा सही से समझ लेते हैं। विल्डिंग्स रोमन क्या होता है? एक जो हिंदी कहे तो शिक्षा का उपन्यास, इसका मीनिंग होता है शिक्षा का उपन्यास, या फिर जो गठन होता है, एक तो गठन, बल्कि मेन वो ये शिक्षा का उपन्यास इसको कहा जाता है। एक जर्मन टर्म है जो किसी जो हीरो होता है उसका जो मॉरल होता है ना, साइकोलॉजिकल, यानी कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक जो तरीका होता है विकास का होना, किसी नायक का जो विकास होता है, प्रोग्रेस होती है उसके कैरेक्टर में, तो उसके लिए विल्डिंग्स रोमन जो यूज़ किया जाता है, रिफॉर्मेशन, नॉबल ऑफ फॉर्मेशन इसको कहा जाता है स्पेशली। फिर अनदर क्वेश्चन सेम इसी के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो विल्डिंग्स रोमन इज ए नॉवल विच डील्स विद ए वन पर्सन फॉर्मेटिव ईयर, उसके वन किसी इंसान के फॉर्मेटिव ईयर्स को डील्स करता है। लिटन स्टार्ट इज द बायोग्राफर ऑफ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लिटन स्टार्ट से जो है उन्होंने बायोग्राफर ऑफ किसके किसकी जो है बायोग्राफी लिखी है, तो क्वीन विक्टोरिया। हु रोट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु रोट लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, और सिंपली लाइव्स ऑफ द पोइट्स, किसने लिखे? सिंपल सा क्वेश्चन, लाइव्स ऑफ पोइट्स, इंग्लिश पोइट्स किसने लिखी है? तो सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉन्स, बेन जॉनसन या डॉक्टर जॉन्स अलग हैं, सैमुअल जॉनसन अलग हैं, और सैमुअल जॉनसन को ही डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं दिया जाता, सीधे सीधे ब्लूम्स जो ब्लूम्स वेरी ग्रुप जो मैंने आपको बताया भी, हैंड रिटन नोट जो है मेरे वहाँ मैंने दिया है, तो वहाँ पर ये क्या है, लिटन स्टार्च यहाँ पर फिर दे दिया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ एमिनेंट विक्टोरियंस, तो ये सिर्फ इतना क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एमिनेंट विक्टोरियन, लिटन स्टार्च, ब्लूम्स वेरी ग्रुप के बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता चुकी है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये वाला क्वेश्चन इन्होंने बहुत लंबा दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब इस तरह से ही आ जाएंगे, सिंपल सा सारे करेक्ट हैं, सब करेक्ट हैं, कि मतलब यहाँ पर बायोग्राफर्स हैं और ऑथर्स हैं, ये बायोग्राफर्स हैं, ये ऑथर्स हैं, कौन सा सही है? तो विलियम मैनसन इम्पोर्टेंट है, थॉमस ग्रे, जेम्स बोसवेल भी इम्पोर्ट, रॉबर्ट साउथ है, तीनों इम्पोर्टेंट है, हॉर्शियो नेल्सन। बुक तो आपके पास सबके पास होती है, तो ये आपको ये बायोग्राफर्स हैं, ये इनके ऑथर्स हैं। एक यही तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है, या फिर से ये क्वेश्चन, और मैं बार बार कह रही हूँ कि एक दो क्वेश्चन इसमें कम से कम बनने ही है, कम से कम दो क्वेश्चन जरूर बने। यामिंग पेंटामेंट वर्स ऑफ 5 feet इन इट्स राइम्ड फ्रॉम इज नोन एज, क्या कहा जाता है इसे? ब्लैंक वर्स कहा जाता है। ये वाला टॉपिक मैंने लिंक भी दिया है शायद आपको, हाँ दे दिया है शायद, तो बहुत फिर से इस वाली वीडियो में दे दूंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही होगा। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपीयर्स ऑन द जैकेट ऑफ ए बुक इज नॉट इम्पोर्टेंट, सो ब्लर्ब उसको कहा जाता है। द पुलित्ज़र प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रिफरेबली डीलिंग विद अमेरिकन लाइफ, नो यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सैटर्न इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड हैचफील्ड क्लिफ इन एमिल ब्रॉन्टे, वदरिंग हाइट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है? बाय रोनिक हीरो हैं ये, मेन यही है पैराडाइज लॉस्ट का। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है इससे पहले ही वीडियो में। द टर्म यूज फॉर ब्रेक और ब्रेक और पॉज जब लाइन में आता है तो उसे क्या कहा जाता है? सिजोरा कहा जाता है। अब इसको लंबा कर दें या छोटा कर दें, बात यही है कि सिजोरा पूछा जाता है। जब किसी लाइन में कोई ब्रेक आता है, रुकावट आती है, तो उसे सिजोरा कहा जाता है।
द टर्म फॉर ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, जिसकी सुंदर राइटिंग होती है हैंड राइटिंग, उसे क्या कहा जाता है, कैलीग्राफी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड एकेडमिक फिक्शन इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, कैंपस फिक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगता नहीं है कि इंग्लिश का दे दिया क्वेश्चन, लेकिन एक एकेडमिक फिक्शन को क्या कहा जाता है, कैंपस फिक्शन कहा जाता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजरी, का मेन फंक्शन क्या होता है, कैथरेस। ये भी हमने ट्रेजरी का पूरा डिपिक्ट किया है, इसका भी लिंक मैं आपको दूंगी, वहाँ से आप ट्रेजरी के बारे में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ तक ही क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट से तो यही निकले हैं अभी तक, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो में डाल नहीं सकती, बना नहीं सकती नेट की वजह से। और फिर चलो देखते हैं, करते हैं। आपको यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगी हो तो बता सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा जो है आपको पढ़ वो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं, यही सीधी सीधे लिख जाती हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो ज़्यादा इसमें इनके बारे में फिर ज़्यादा सर्च करने बैठ जाओ, ज़्यादा समझने बैठ जाओ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्वेश्चन सीधा सीधा आपके सामने ये ऐसे लिखा हुआ आएगा और आपको ऐसे ही आंसर इसका देना है। और ये भी क्या इन्होंने लंबा दे दिया, लेकिन ज़्यादातर यही चीज़ पूछा जाती है, द टर्म यूज ए ब्रेक और पॉज, या ये, या फिर सिजोरिया ऊपर लिख दिया जाता है और पूछा जाता है क्या है ये, तो ब्रेक और पॉज इन द लाइन, बस इतना पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।